मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली जिसमें उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने मालवा हटाने और दवाइयों के छिड़काव के साथ साथ तत्काल 50-50 किलो अनाज भेजने की व्यवस्था की जाए जिससे पीड़ितों को पर्याप्त खाना मिल सके और जिन जिन लोगों के मकान गिरे हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए। आगे और क्या कुछ बोले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, आपको सुनवाते हैं। बैठक करी थी और युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश दिए। पहली चीज मलबा हट जाए, पाउडर वगैरह छिड़क दे ताकि भयानक बीमारियां ना हो, पीने के पानी की साफ व्यवस्था हो जाए, डॉक्टर आके कैंप लगा दे, देखने तबियत सर्दी जुकाम बुखार उससे जनता बच जाए और तात्कालिक रूप से 50-50 किलो अनाज भेजने की व्यवस्था की कि कम से कम तत्काल तो रोटी का इंतजाम होना। कल तक मेरे पास जो हिसाब आया था अभी पूरा नहीं हुआ, 11 करोड़ आया था, मैंने 11 करोड़ रुपया तत्काल खाते में क्लिक करके डाल दिया। दुगने होंगे कलेक्टर और पूरी टीम से करो, जनप्रतिनिधि सांसद विधायक सभी जनप्रतिनिधियों से करो। मकान जिनके गिरे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह मकान बनाने के लिए पैसा देंगे।